तो सैमसंग A33 5G के लिए एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट सैमसंग ने रोल आउट कर दिया है इंडिया में। तो कितने साइज का है अपडेट फाइल, क्या कुछ इम्प्रूवमेंट्स किया गया है, क्या कुछ नए फीचर्स को ऐड किया गया है, सब कुछ मैं डिटेल में आज के इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। लाइक टारगेट हम लोग रखते हैं 95 लाइक, 95 लाइक आप लोग कंप्लीट कर दीजिएगा। और चैनल पे यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करें अपडेट फाइल की तो 487 MB का अपडेट है, नवंबर 2022 का सिक्योरिटी पैच है जो कि थोड़ा पुराना है। और इस अपडेट में सैमसंग ने मेंटेनेंस मोड का जो फीचर है वो रोल आउट कर दिया है। इससे पहले सैमसंग ने वन वाई फाइव का अपडेट दिया था जिसमें हमें मेंटेनेंस मोड देखने को नहीं मिला था दोस्तों। तो मेंटेनेंस मोड वर्क कैसे करता है, तो इसके लिए आपको सेटिंग्स पर जाना है, बैटरी एंड डिवाइस केयर, यहाँ पर आपको मेंटेनेंस मोड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो आपको मेंटेनेंस मोड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये वर्क कैसे करता है, तो मान लीजिए आपके डिवाइस में कोई प्रॉब्लम आ रही है और आप अपने डिवाइस को रिपेयर करने के लिए ले जाते हैं सर्विस सेंटर, तो आपके डिवाइस में पर्सनल डाटा रहता है, फोटोज़ रहता है, वीडियोज़ रहता है। तो यहाँ पर इस फीचर की मदद से जब आप इसे ऑन कर दीजिएगा तो जो भी आपका पर्सनल डाटा है वो शो नहीं करेगा, सिर्फ जो सिस्टम के एप्लीकेशंस हैं वो शो करेंगे दोस्तों। जैसा आप न्यू डिवाइस परचेस करते हैं उस समय आपके डिवाइस में जो एप्लीकेशंस रहते हैं वही एप्लीकेशंस शो करेंगे। तो यहाँ पर आपको ऑन करते समय पैटर्न, पिन, पासवर्ड को सेट कर देना है और आपका डिवाइस जब रिपेयर हो के आ जाएगा तो आप इसे ऑफ़ कर दीजिएगा। और ऑफ़ करते समय आपको वही पिन, पैटर्न, पासवर्ड इंटर करना है जो आपने इसे ऑन करते समय इंटर किया था, तो ये ऑफ हो जाएगा और जो भी आपका पर्सनल डाटा है वो शो करेगा दोस्तों। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट फीचर है जो कि रोल आउट किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर डिवाइस को लेटेस्ट सिक्योरिटी के साथ प्रोटेक्ट कर दिया गया है, साथ में यहाँ पर डिवाइस की स्टेबिलिटी को इम्प्रूव किया गया है, बग्स को फिक्स किया गया है, कुछ फीचर्स को ऐड किया गया है और डिवाइस की परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव किया गया है। साथ में कुछ स्टॉक एप्लीकेशन, गैलेक्सी वेरिएबल, सैमसंग नोट, सैमसंग हेल्थ, स्मार्ट थिंग्स, सैमसंग मेंबर्स, कैलकुलेटर, स्मार्ट स्विच, वॉइस रिकॉर्डर, इन सभी एप्लीकेशंस को लेटेस्ट वर्जन में अपडेट कर दिया गया है। साथ ही ये पहला अपडेट है एंड्रॉयड 13 अपडेट के बाद, तो इसमें जो भी कुछ बग्स आ रहे हैं वो कुछ बग्स इसमें फिक्स भी किए गए होंगे। तो अपडेट कीजिए अपने डिवाइस को। तो यही था आज के इस वीडियो में, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पे यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।